रेसिपीज में मैं योगिता मोहिते आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते हैं सिंपल वाली दाल, लेकिन बनाएंगे कढ़ाई में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए तुअर दाल, मैंने लिए 1/4 कप, और हरी मूंग की छिलकी वाली दाल है ये, मैंने 1/4 कप लिए। धनिया थोड़ा सा लगेगा, मिर्ची, यहाँ पे गोड़ा मसाला है। इस दाल का मेन इंग्रेडिएंट्स है गोड़ा मसाला। यहाँ पे लिए मैंने हल्दी, जीरा, राई, आधा टमाटर बारीक कट करके लिए, आधा प्याज लिया मैंने, अदरक लहसुन की पेस्ट है, करी पत्ते के पत्ते लिए, नमक लगेगा और तेल और पानी लगेगा। पहले दाल लेने कुकर के डिब्बा लिया मैंने, उसमें दाल डाल रही हूँ और 10 मिनट तक इसको अच्छे से 3 बार धो के 10 मिनट बाजू में रखना है और 3 से 4 सीटी लगा के एकदम कुकर में बॉईल करके लेना है इसको। धो लिए, इसमें टमाटर डालती हूँ और अभी इसको 3 से 4 सीटी लगा के इसको उबाल के लेती हूँ। उबाल लिए मैंने, देखिए इसको थोड़ा सा इसके साथ बीटर की सहायता से घोट लेना है। दोनों दालें अच्छी तरह से मिला लेनी है। गैस ऑन किया है, गैस पे मैंने ये बीड़े की कढ़ाई रखी है, मैं उसमें दाल बनाऊंगी आज। आपको हंसी आएगी लेकिन मैं कभी कभार इसमें बनाती हूँ। 1 छोटा चम्मच में तेल डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तेल डालना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। राई डालने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने अभी धीमी कर दी है। यहाँ पे डालेंगे हींग, 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे मैं मिर्ची डालूंगी, हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट है वो डाल रही हूँ, करी पत्ते के पत्ते ही डालेंगे और एक प्याज मैंने आधा लिया है वो डालेंगे। तो मिला लेंगे। इसको मिला लेंगे, प्याज रेड होना चाहिए, सुनहरा होना चाहिए, तब तक इसको स्टर करना है। अब इसमें हल्दी डालती हूँ मैं, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। अभी डालेंगे गोड़ा मसाला। गोड़ा मसाला आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसमें सूखा नारियल ऐड होता है। मैं इसकी रेसिपी आपको जल्दी से शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। अभी इसको अच्छे से मिलाते हैं। हाँ, क्या एरोमा फैल गया है, मस्त, वाओ। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ पहले, बस इतनी चीजें चाहिए। और ये कढ़ाई में डालने से बहुत टेस्ट अच्छी आती है। कभी कभार मैं ऐसे करती हूँ, थोड़े से बदलाव जरूरी रहते हैं कभी कभी खाने में। देखिए ऐसी दाल आप करोगे आपको बहुत पसंद आएगी, मेरे घर में तो बहुत पसंद है सबको। अभी तुरंत इसमें मैं डाल दूँ, हाँ, कढ़ाई में डाल, वाओ क्या फ्लेवर आता है। और ये जो ब्राउन कलर का ओनियन है उससे तो उससे ज्यादा दाल का फ्लेवर बढ़ता है। आप जरूर कीजिएगा दाल ये ट्राई। मैंने धीमी की है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ही पानी ऐड करूंगी, मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें नमक मिलाएंगे स्वादानुसार, बाकी कोई भी मसाला नहीं डालना है। गोड़ा मसाला डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हो मिर्ची डाले बिना। ये दाल बड़ी स्वादिष्ट होती है खाने में। इसको उबाल आने तक वेट करते हैं। बाद में उबाल आ गए, 4 से 5 मिनट में ही उबाल आ गए। अभी गैस की फ्लेम में बंद करती हूँ। इसको आप किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ खाओ, वो स्वादिष्ट ऐसी दाल बनी है। मैं इसको परोस के दिखाती हूँ आपको कैसे बनी है दाल अपनी। एक मैंने बाउल लिया है, इसमें डालती हूँ दाल को। हमारे घर में तो बहुत पसंद आती है दाल। देखिए दाल दिख रही काली लेकिन बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना ना भूलिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर भी करिए। तो इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कैसे बनी है। देखिए गोड़ा मसाला से बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें।
देखो,